बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव मुझे आप साथ में है, आपको दे दूंगा आज की अपडेट। आप ये है कि भाई आप हजू को वक्तन सॉरी मैं वक्तन फक्तन ऐसी न्यूज से अपडेट करता आ रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया में भाई बहुत ज्यादा सख्त चेकिंग चल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है, खासकर पकड़ इस मामला को लेकर, यानी कि काम एक्सपायर है, वो बंदा महीना हो रहा है काम और कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, इन चीजों को लेकर। दूसरे नंबर पर मैंने आप सारे बात शेयर की थी कुछ दिन पहले, आप भाइयों ने वो वीडियो मेरी काफी अच्छी लाइक की है, यानी कि मैं अपनी तरफ से आपको एक एडवाइस दे रखा था कि भाई आपकी मर्जी है कि एक महीना ये हज वाला जो है इस एक महीने में परहेज करें इधर उधर घूमने से। तो अभी बात कर लेते हैं आज की न्यूज के ऊपर। यहां पर मैं कुछ आपको वीडियो चलाकर दिखाता जाऊंगा साथ में, भाई आप देख सकते हैं इन वीडियोस में भी जहां पर छुट्टे बंदों की चेकिंग कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं। और एक वीडियो यहां पर मैं आपको और भी दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि छुट्टों ने बकायदा किसी कैंप जो होता है इस तरह का बोल रहे हैं उसे, उसकी वो गद्दी यानी कि दरी ऊपर से उठाई है, क्लीन उठाया तो नीचे उसने गड्ढा बनाया हुआ था इस इथियोपियन ने, तो वहां से उसको निकाला है। तो भाई सख्त किस्म की चेकिंग चल रही है सऊदी अरेबिया में, हज एक तो हज है और दूसरे नंबर पर जो बोला गया है जिन बंदों के इकामे एक्सपायर है, जो अनलीगल है वो लीगल हो जाए, यानी कि अपने इकामे लगवा लें। अगर एक इकामा एक्सपायर है 502 इकामे हैं तो 1003 इकामे हैं तो आपको भाई खरूज लगाकर आपके वतन भेज दिया जाएगा। तो सख्त किस्म की चेकिंग चल रही है इस भाई, आप अपना इकामा लगा लें यही बेहतर है, वरना भाई एक दो माह कहीं इधर उधर घूमने से परहेज करें। अपने काम के सिलसिले में तो आप निकलेंगे ही, लेकिन बेस्ट भाई यही है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपना इकामा रिन्यू कर ले, यही आपके लिए बेस्ट है, वरना आपको पता ही जब भी आप पकड़ेगा तो जेल, उसके बाद खरूज है जी फिर।